जय श्री कृष्ण। हाथ छुड़ाए जात हूँ, हे गोविंद रक्षा करो। अंधे की लाठी अब कौन बनेगा तेरे सिवा। सबको पुकार पुकार कर हारा हूँ नाथ, चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ गया है। इस निर्जन वन में अब तुझे छोड़ और किससे आस लगाऊं। कौन है जो मुझे इस कुएं से निकाल सकता है। कहीं कोई सुनवाई नहीं, हार थक कर बैठ गए सूखदास इस गहरे कुएं में। आंसू भी सूख गए रोते रोते। ऐसा नहीं कि आर्तनाद थम गया है, बस बाहर प्रकट नहीं हो पा रहा। निढाल हो गए हैं अब, या तो कृष्ण कन्हैया आएगा या प्राण जाएगा। इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कौन पहले आता है। तभी बाबा, सूरदास खड़े होते हुए, कौन कौन है बाबा, कहाँ का कर रहे हो है, काहे गड्ढा में पड़े हो है, तो कुछ जमीन ना सुहावे के। सूरदास जी कहते हैं, अरे लाला कौन है रे तू, कैसी मधुर वाणी है रे तोरी, मोरी वाणी छोड़ पर तू गड्ढा में काहे पड़े हो है। सूरदास जी, गड्ढा में कौन चला कर पड़े गोरे लाला, गिर गयो हूँ। ऐसे कैसे गिर गयो, इतनो बड़ो गड्ढो दिखे ना है तो को। सूरदास जी अपनी लाचारी पर कहते हैं, आखन ते ही दिखतो तो गिरतो का, अंधो हूँ हरे राम, तो बाहर तो निकल। अब निकलूं पर निकलूं कैसे, या तो कह तू है कौन। मैं तो गैया हाँक रहे हो घर ले जावा को, फिर तोरी आवाज सुनाई दी तो इतकू आयो, और देखो तो तू गड्ढा में पड़ियो है। ला हाथ दे, मैं तो को खींचू ऊपर, पर मैं छोटो हूँ या मारे तुमको भी जोर लगानो पड़ेगो। सूरदास जी कहते हैं, जितनो बन पड़ेगो उतनो तो लगाऊंगो, बाकी तू लगा लियो। सूरदास जी ने वो नन्हा सा हाथ पकड़ा, मानो किसी पुष्प को पकड़ा हो, मानो आनंद सागर को छू लिया हो, मानो गंगा की सारी पवित्रता सिमट कर आ गई हो उस हाथ में, मानो आकाश से भी बढ़कर सहारा देने वाला हो कोई, और बहुत ही आसानी से वे बाहर आ गए। सूरदास जी कहते हैं, तेरो नाम का है रे लाला, कनुओ, पर एक बात कहूं, मैं अभी तो चुपचाप बैठो हो, कोई को भी आवाज ना दे रहे हो, फिर तो को कैसे सुनाई दे गयो। कनुआ कहता है, अरे तो भोले बाबा तू कब से आवाज दे रहे हो, मैं ताते सुनकर आयो हूँ। सूरदास जी पूछते हैं, तोरे मैया बाबा कौन है। कनुआ कहता है, तू सवाल बहुत करे बाबा, मोकू हो रही है देर, जावा दे मोकू या ले तोरी लाठी। सूरदास जी कहते हैं, रुक तो सुन तो, हाँ बोल अब का है। सूरदास जी कहते हैं, या लाठी से जंगल तो पार है जावेगो, पर लाला भवसागर नाए होवेगो, ऐसी लाठी दे तो जा कि भवसागर तरा दे। अरे तू तो पीछे ही पड़ गयो, कोई की मदद कर वो भी गलत है गयो, भवसागर की मोरी ठेकेदारी है का, अपने आप कर। सूरदास जी और कसकर हाथ पकड़ते हुए, हमसे तो यो गड्ढो ही पार ना हो लाला, भवसागर का होवेगो, यो भी तैने ही पार लगायो है, वो भी तू ही लगावेगो। तैने तो हद कर दी बाबा, तो कुछ जानो कहां है, चल छोड़ दूं, जानो तो भवसागर पार ही है। कनुआ हाथ छुड़ाते हुए कहता है, तू तो भूत की तरह चिपक ही गयो, छोड़ मोकू। कनुआ ने हाथ छुड़ा लिया। सूरदास जी उसका दुपट्टा पकड़ते हुए भरी आंखों से, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जो जाओ तो मर्द बदूंगो तोए, हृदय से जो जाओ तो मर्द बदूंगो तोए। कनुआ कहता है, काका ताने दे रहे हो है बाबा, छोटा सा बालक को मर्द होवा को तानो, राम राम। सूरदास जी उससे बहुत अच्छे से छू रहे हैं, शरीर को, वस्त्रों को, आभूषणों को, केशों को, अधरों को, आंखों को, भुजाओं को, सब कुछ को।
मानो आनंद, शांति, पवित्रता, मादकता, सुंदरता, भव्यता, ऐश्वर्य, सादगी के समुद्र में गोते लगा रहे हों, उसकी गहराइयों में अपने आप को खो रहे हैं, मिटा रहे हैं, बलिहार हो रहे हैं, मानो अपना रेशा रेशा उस पर वार रहे हैं। चरणों में सर जो टिकाया तो फिर उठाया ही नहीं, आंसुओं से धो रहे हैं। कनुआ, तो कुछ शर्म भी ना आवे के, इतनो बड़ो है के छोटा सा बालक का पैरन में पड़े हुए, कोई देखेगो तो का बोलेगो। सूरदास जी कहते हैं, अब तो छल छोड़ दे रे छलिया, कितनो छलेगो, या आंख के अंधा को भी है कौन, या बियाबान जंगल में देखवा को, हो तो वो को बचाए ना लियो हो तो, अब तो दर्शन दे दे रे, तरस गई अखियां, ना ही छोड़ूंगो नहीं तो चरणन को, दर्शन दे कन्हैया, ओ गोपाल, ओ नंद का लाल, ओ रे घनश्याम, ओ जसोदा का दुलारा, मो आंधरे को भी छवि दिखला दे। कनुआ कहता है, खड्डो तक तो दिखे ना है तो कु, और जाने काका देखनो है। सूरदास जी कहते हैं, बस मोरे नाथ, अब बस करो दर्शन दो बनवारी, फिर जो दिखा सूरदास जी को, वो या मैं जानू या वो जाने। बोलो भक्त सूरदास जी की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, जय श्री कृष्ण।